सो so, मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ प्लम का ग्रीन टी टोनर एंड मैंने टू थ्री ड्रॉप्स लेकर अपने पूरे फेस पे पर डॉपटाप कर लिया है अच्छे से सेकेंड स्टेप है हमारा मॉइस्चराइजिंग एंड मॉइस्चराइजर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ बायोटिक का बायो मॉर्निंग नेक्टर दिस इज सो गुड फॉर विंटर्स एंड बहुत ही अच्छे से आपके स्किन को ये मॉइस्चराइज भी कर देता है मैंने थोड़ा सा लिया है और अपने पूरे फेस पे अच्छे से अप्लाई करके एंड इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड आप थर्ड स्टेप है हमारा प्राइमिंग एंड प्राइमर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस रोज प्राइमर सीरम इट्स अ लिक्विड बेस्ड प्राइमर एंड इसमें सीरम भी आपका मिक्स है तो आपको डबल हाइड्रेशन मिल जाती है एंड अपने फाउंडेशन के बेस को अच्छे से लॉक करने के लिए प्राइमर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जितने भी पिगमेंटेड एरियाज हैं एंड जितने भी स्पॉट्स हैं आप मेरे फेस पे उन सबको कवर करने के लिए आज मैं यूज कर रही हूँ बेट एंड वाइल्ड का कवर ऑल कंसीलर पैलेट एंड इसमें से कवर्स वाला पोर्शन मैंने लिया है ये मेरी स्किन टोन पे बहुत अच्छे से जाता है सो uh, so, इसको जितने भी मेरे पिगमेंटेड एरियाज़ हैं वहाँ पे मैं इसको फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूँगी एंड फिंगर की हेल्प से ही इसको मैं ब्लेंड आउट कर लूँगी तो आपको इसमें मीडियम कवरेज मिल जाती है उसके बाद फाउंडेशन आएगा तो आपका इवन हो जाता है एकदम फेस सो so, इसको अच्छे से uh, अब मैं ब्रश की हेल्प से नहीं करती हूँ अपने फिंगर की हेल्प से ही इसको बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये ब्राउज़ को शेप देने के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का अल्टीमेट ब्राउ किट एंड इसमें से मैंने सेंटर वाला शेड लिया है एंड इसमें मैं अपनी ब्राउज को फिल इन कर लूँगी बहुत अच्छे से आ, आप देख सकते हैं मुझे थोड़ी सी आ, बोल्ड ब्राउज ज़्यादा पसंद है तो मैं थोड़ा सा बोल्ड ही रखती हूँ अपनी ब्राउज को स्विस ब्यूटी का कंसीलर लिया है इन दी शेड मीडियम एंड एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से उसको आ, उसके एजेस को मैं शार्प करूँगी अपने ब्राउज के एजेस को एंड आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिशिंग हो जाती है एकदम से आई बेस के लिए भी मैंने सेम कंसीलर लिया है कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से उसको ब्लेंड आउट कर लूँगी काफ़ी अच्छे से ब्लेंड आउट करना है आपको क्योंकि आज की आई लुक में काफ़ी वॉर्म और लाइट शेड्स मैंने यूज़ किए हैं उसके बाद मैंने सेट किया है अपने आई बेस को पर्पल के कॉम्पैक्ट पाउडर से इन दी शेड हनी सेल्फ केयर टू एंड एक ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से उसको मैं सेट कर लूँगी आज का आईलुक मैं एक ही पैलेट से करने वाली हूँ और मैंने लिया है निका के का अंडर द सी पैलेट एंड इसमें ही आपको तीनों शेड मिल जाएंगे लुक के लिए ब्रश आज मैं यूज़ कर रही हूँ डी यू केयर के एंड के मुझे ये मैं फर्स्ट टाइम ही यूज़ कर रही हूँ तो सबसे पहले मैंने पिक किया है ऑरेंज शेड और अपनी क्रीज लाइन पर मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है आपको थोड़ा सा कलर बिल्डअप करना है मैं हमेशा लाइट शेड से ही स्टार्ट करती हूँ उसके बाद मैंने लिया है ब्राउन शेड एंड उसको सेम प्लेस पर ही मैं अपनी क्रीज लाइन पर ब्लेंड आउट कर लूँगी सो इसको भी थोड़ा थोड़ा बहुत ज़्यादा डार्क भी नहीं करना है आपको धीरे धीरे बिल्डअप करते जाना है उसके बाद मैंने लिया है कंसीलर Uh, एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से मैं अपनी क्रीज़ लाइन तक कंसीलर अप्लाई कर लूँगी एंड उसको सेट भी कर लूँगी फिर सेम कंसीलर मैंने यूज़ किया है स्विस ब्यूटी का एंड आप देख सकते हैं बहुत ही इजी है एंड बहुत जल्दी क्रिएट भी हुआ है ये जी दिखने में जितना ब्यूटीफुल है उतना ही इजी भी है ये एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से आपको एक लाइनर की तरह अपनी क्रीज लाइन तक इसको ड्रॉ कर लेना है एंड थोड़ा सा सेट भी करना है क्योंकि वो क्रीज़ लाइन पे फिर क्रीज हो जाता है उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से येलो शेड लिया है एंड जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था वहाँ पे येलो टो तो, शेड को थोड़ा सा बिल्डअप करना है अब आपको एक बार मैंने यहाँ पे फ्लैट ब्रश लिया है एंड वेट एंड वाइल्ड का मैं ये आ, ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ उसके बाद मैंने ब्रश पर ही थोड़ा सा ग्लिटर लेकर इसको लाइनर की तरह अप्लाई करना है आपको अपनी क्रीज लाइन पर एंड अगर थोड़ा सा आप थिन अप्लाई करना चाहते तो थिन कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा थिक चाहिए तो आप थिक अप्लाई कर सकते हैं दैट्स अप टू यू उसके बाद मैंने लैसेज अप्लाई कर लिए हैं एंड अपनी लोअर लैश लाइन पर भी मैंने सेम टोन्स यूज़ किए हैं ऑरेंज एंड ब्राउन उसके बाद मैं अपने लैशेस को कोट कर रही हूँ मेबलिन के टोटल टेम्पटेशन मस्कारा से फाउंडेशन के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ लॉरल पेरिस का ट्रू मैच फाउंडेशन इट्स अ फुल कवरेज फाउंडेशन मैंने एक से दो पंप लिए हैं एंड अपने पूरे फेस पे एक फिंगर की हेल्प से इसको अप्लाई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको ब्लेंड आउट कर लूँगी एंड बहुत ही अच्छे से आपको ब्लेंड करना है क्योंकि ब्लेंडिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आप कंसीलर के लिए आज मैं यूज़ कर रही हूँ डार्लिंग इज का कंसीलर ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी आपको कवरेज देता है एंड अफोर्डेबल में काफ़ी अच्छा कंसीलर है सो तो मेरे भी जितने कंसीलिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर मैं इसको अप्लाई करूँगी एंड ये मेरे स्किन टोन पर बहुत ही अच्छे से जाता है सो तो इसको मैं अप्लाई करने के बाद ब्लेंड कर दूँगी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से इसको को करने के लिए मैं सेम पैलेट यूज़ कर रही हूँ जो मैंने अपने आई मेकअप के लिए यूज़ किया था अंडर द सी पैलेट एंड इसमें से मैं ले रही हूँ ब्राउन शेड एंड इसी ब्राउन शेड से मैं अपने पूरे फेस को कॉन्ट्रोल करूँगी एक ब्लेंडिंग ब्रश एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मैंने इसको अप्लाई किया है एंड उसके बाद मैं इसको ब्लेंड आउट कर दूँगी एंड बहुत ही अच्छे से ये चल जाता है कलर ऐसा नहीं है कि आपको अलग से एक ब्राउनजिंग पैलेट लेने की ज़रूरत है सो uh, so, इसको अप्लाई करने के बाद अच्छे से ब्लेंड हो जाता है ये ब्लश के लिए मैं अपना सेम ब्लश यूज़ कर रही हूँ मे फिटमी का ब्लश इन शेड रोज एंड एक ब्रश की हेल्प से मैं इसको अप्लाई कर लूँगी नाउ इट्स टाइम टू हाईलाइट माई फेस एंड उसके लिए मैं यूज करी वेट एंड वाइल्ड का कलर आई कैन ब्लश पैलेट इट्स अ हाईलाइटर कम ब्लश पैलेट सो इसमें थ्री शेड्स दिए गए हैं मैं सबसे लाइट वाला शेड लेके काइंड ऑफ रोज इसका शेड है एंड जितने भी मेरे हाईलाइटिंग एरियाज़ हैं मैं हर जगह इसको अप्लाई कर लूंगी फिंगर की हेल्प से एंड फिंगर की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड भी कर लूंगी आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट लाइट मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ एंड कितना अच्छा हाईलाइटर है ये लिपस्टिक आज मैंने यूज़ की है स्टेक वर्की की लिपस्टिक एंड इसका शेड मुझे ध्यान नहीं है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी आपको लिंक वगैरह सब कुछ एंड इन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे So yeah that's my final look. So if you like my this makeup look please make sure to hit the like button.